हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2020 में लिया था। उसके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी आपका ग्रामर का सेक्शन है। अपनी हर एक वीडियो में हम बतलाते हैं कि टोटल आपके क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में ग्रामर सेक्शन में 5 टॉपिक्स होते हैं। 5 टॉपिक्स 5 पार्ट्स में बांटकर आपके पेपर में दिए जाते हैं। हर एक पार्ट के अंदर अब टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया चेंज ऑफ वॉइस, एक हो गया नरेशन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मॉडल्स और आर्टिकल्स, ये आपके टॉपिक्स रहते हैं। वर्ब्स, मॉडल्स, आर्टिकल्स, नरेशन और चेंज ऑफ वॉइस, ये आपके टॉपिक्स होते हैं। हर एक पार्ट के अंदर आपको 3-3 सेंटेंसेज या फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं और आपको NA2 हर एक पार्ट में से अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक पार्ट के लिए जब आप 2 करेक्ट आंसर्स देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में 2 करेक्ट आप आंसर फिल करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। 5 पार्ट्स आपके होते हैं, 2×5 टोटल 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर में आती है। आज हम डिस्कस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में मॉडल ऑक्सिलरी, जैसा कि हमने बताया था, जो जिनको हम कॉमनली मॉडल्स बोलते हैं, वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर ये काम करती हैं। और मॉडल्स जो हैं उनको यूज किया जाता है टू शो, टू डिस्क्राइब मॉडलिटी और मूड। तो यहां सेंटेंस के अंदर जब आप मॉडल्स को यूज करते हैं तो एक मॉडल एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए, एक पर्टिकुलर मूड के लिए यूज किया जाता है। तो आइए सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, चारों ही सेट्स के हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं, मार्च 2020 के पेपर में आए थे। आप इनको अपने नोटबुक्स में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आप रीजन जानेंगे, कारण जानेंगे, मॉडल ये इस ब्लैंक के अंदर ये मॉडल आया तो है, आया क्यों है, और उन लॉजिक्स को, उन रीजंस को लर्न भी करेंगे। क्योंकि इसी तरीके के बिल्कुल सेम, सिमिलर या इनसे मिलते जुलते एग्जांपल्स फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है ए सर्वेंट ब्लैंक ओबे हिज मास्टर, और आपके मॉडल्स दिए गए हैं कैन और मस्ट। कैन सकना प्रेजेंट एबिलिटी को बतलाने के लिए यूज किया जाता है, और जो मस्ट है जरूर चाहिए, शुड और टू और मस्ट, जैसा कि मॉरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, मॉरल ड्यूटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं। शुड मींस चाहिए, मस्ट मींस जरूर चाहिए, और ओ टू की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो शुड और मस्ट के बीच की होती है, शुड से ज्यादा और मस्ट से कम। बट कई बार ये हो जाता है कि ब्लैंक के बाद टू आ जाता है तो वहां पर हमारी कंपल्सन हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि वहां पर अगर वहां ब्लैंक में हमें मॉडल फिल करना है तो हम केवल ओट ही फिल करेंगे, ओट टू, क्योंकि टू ब्लैंक के बाद दिया गया है। तो ऐसे ब्लैंक्स में आपको ध्यान रखना है, अगर ब्लैंक के तुरंत बाद टू है तो आप वहां पर ओट ही फिल करेंगे। अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ए सर्वेंट ओबे हिज मास्टर, तो ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, क्योंकि यहां शुड नहीं है और मस्ट, क्योंकि सर्वेंट के ऊपर कंपल्सन भी होती है, एक सर्वेंट है उसको जरूर अपने मालिक के आदेश का पालन करना चाहिए, अपने मालिक की आज्ञा को मानना चाहिए, ए सर्वेंट मस्ट। तो हमने फर्स्ट जो हमारा ब्लैंक था उसके अंदर फिल किया है मस्ट, ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ब्लैंक यू वेट फॉर सम टाइम, शुड और कुड यहां पर आया है। तो देखिए शुड यहां कोई लॉजिक नहीं बनता, शुड चाहिए, मॉरल ड्यूटी का कोई ये सेंटेंस नहीं है, और कई बार शुड हम यूज करते हैं अगर सेंटेंस में लेस्ट आया होना, यहां पर लेस्ट आया है। मेनली जो शुड के हैं और भी यूजेज हैं, यही ज्यादातर यूज किए जाते हैं, तो हम यहां कुड को सिलेक्ट करते हैं इस ब्लैंक में फिल करने के लिए, और
क्या बनेगा? Could you wait for some time? यहां पर would होता तो would भी आ सकता था. देखिए, would और could both can be used in the sentences where you see that there is a type of request. जहां पर request की गई, प्रार्थना की गई है. और would में जब request तो की गई है, could और would दोनों में request की जाती है. Could में जो request की जाती है, request with सजेशन, और वुड में जो रिक्वेस्ट की जाती है वो ऑफर और इनवाइट्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है. तो हमने यहां फील किया कुड यू वेट फॉर सम टाइम, रिक्वेस्ट करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यहां कुड को हमने यूज किया. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है हाउ ब्लैंक यू इंसल्ट मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. और यहां पर मे आया है, मे तो परमिशन लेने के लिए हम यूज करते हैं या पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं. तो यहां डेयर आएगा, डेयर, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, डेयर हिम्मत करना, तुम्हारी मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई. ये पहचान भी होती है. स्टार्टिंग में आपका हाउ आ गया, उसके बाद में ब्लैंक आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो आप ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाते हैं कि यहां पर आपको ब्लैंक में डेयर ही फिल करना है. स्टार्टिंग में हाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहां बीच में ब्लैंक है, तो आपको ब्लैंक में डेयर ही मॉडल फिल करना है. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है इट ब्लैंक हैपन टू एनीवन, शुड चाहिए, मॉरल ड्यूटी का कोई सेंटेंस नहीं है, शुड नहीं आएगा. हम यहां फिल करेंगे कैन, इट कैन हैपन टू एनीवन, कैन सकना, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, इट कैन हैपन टू एनीवन. और इस टाइप के सेंटेंसेस आप ऐसे कैसे लर्न भी कर सकते हैं, इट कैन हैपन टू एनीवन. नेक्स्ट आपका एग्जांपल है यू ब्लैंक कंसल्ट सम डॉक्टर, तो कंसल्ट सम डॉक्टर, एडवाइस की गई है, शुड यहां पर आना चाहिए, बट यहां शुड दिया नहीं गया है. तो मस्ट और वुड, वुड हमने बताया कि जैसे आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, और विल के पास्ट टेंस में भी हम वुड को यूज करते हैं, बट यहां पर मस्ट दिया गया है, मस्ट जरूर चाहिए, आपको जरूर ऐसा करना चाहिए. शुड मीन्स चाहिए और मस्ट मीन्स जरूर आपको ऐसा करना चाहिए. यू मस्ट कंसल्ट सम डॉक्टर, आपको जरूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जरूर किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अब ये देखिए, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल वाला एक सेंटेंस हमारे सामने आया है. आई ब्लैंक रादर स्टार देन स्टील, स्टार भूखा मरना, स्टील चुराना, और यहां मॉडल्स दिए गए हैं वुड और मे. तो देखिए रादर के साथ में हम वुड, रादर के साथ में हम वुड यूज करते हैं, वुड रादर, जैसे लेस्ट के साथ में शुड यूज करते हैं, रादर के साथ में वुड यूज करते हैं. तो इसका यहां मतलब होगा, वुड रादर का मतलब कि इस काम की बजाय, आई वुड रादर स्टार्व देन स्टील, चोरी करने की बजाय मैं भूखा मरना पसंद करूंगा. नेक्स्ट शी ब्लैंक स्विम वेरी वेल, कैन और शेल, तो कैन हम यहां यूज करेंगे, क्यों किया है, शी कैन स्विम, स्विम देखिए ये जो एक वर्ब है तैरना, स्विम, ड्राइव, लिफ्ट, प्ले, सिंग, ये रीड, राइट, ये जो वर्ब्स हैं, तो इनसे पहले ये हमारी एबिलिटी को शो करती हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं. शी कैन स्विम वेरी वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से स्विम कर सकती, इसलिए सकना, सकती है, प्रेजेंट हमारी एबिलिटी को शो करने के लिए. शी कैन स्विम वेरी वेल, हमने यहां कैन यूज किया, प्रेजेंट एबिलिटी. नेक्स्ट यू ब्लैंक वर्क हार्ड दिस ईयर, अब देखिए मॉडल्स हैं मस्ट और वुड, वुड यहां पर आएगा नहीं, मस्ट हम यहां यूज करेंगे, यहां पर या तो हम शुड यूज करें या मस्ट यूज करें या ought to यूज कर सकते हैं, बट यहां पर चॉइस में आपको मस्ट दिया गया है. तो देखिए जब हम यहां मस्ट फिल करते हैं तो क्यों आया, यू मस्ट वर्क हार्ड दिस ईयर, तुम्हें इस साल जरूर मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें इस साल जरूर हार्ड वर्क करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, तो मस्ट. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है ब्लैंक आई कम इन सर, आप एक दिन में जब स्कूल जाते हैं मोर देन 100 टाइम्स हर एक स्टूडेंट को बोलना पड़ता है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, परमिशन लेने के लिए, टू टेक परमिशन, मे और विल टू मॉडल्स यहां ब्रैकेट में दिए गए थे, बिल्कुल आंख बंद के करके आप मे आई कम इन सर, मे यूज कर देंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है शी ब्लैंक डांस वेरी वेल, वही स्विम की तरह ही डांस वाला ये एग्जाम्पल आ गया, कैन और मे में से आपको फिल करना है, आप यहां कैन कर देंगे, यहां पर था शी कैन स्विम वेरी वेल और यहां पर है शी कैन डांस वेरी वेल. तो देखिए
सकना, प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए हमने यहां कैन यूज किया है, कैन और मे में से कैन यूज किया है। नेक्स्ट, यू ब्लैंक गिव अप स्मोकिंग, देखिए एडवाइस दी गई है, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, इस तरीके से जो सेंटेंसेज आते हैं, गिव अप छोड़ देना स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, तो शुड और शैल में से टू मॉडल्स हैं, हम शुड भरेंगे। एडवाइस करने के लिए, सलाह देने के लिए शुड का यूज किया गया, यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल आज की वीडियो के लिए है, देयर ब्लैंक बी सम मोर बसेस, और आपके मॉडल्स हैं ought to और would। तो यहां पर अब देखिए, सम मोर बसेस, जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो देयर शुड बी मोर बसेस, देयर मस्ट बी मोर बसेस, तो यहां पर शुड और मस्ट तो दिया ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, तो आप यहां ought to फिल करेंगे, ought to और would में से बेस्ट रहेगा कि देयर ought to बी सम मोर बसेस, कुछ और बसेस जरूर होनी चाहिए, आपने जोर देकर इस बात को बोला है, देयर शुड बी सम बसेस, शुड यहां पर दिया नहीं गया है, तो देयर ought to बी सम मोर बसेस, कुछ और बसेस जरूर यहां पर होनी चाहिए, लगाई जानी चाहिए, देयर ought to बी सम मोर बसेस। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि बोर्ड के पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसी तरीके के एग्जांपल्स, इसी तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल्स से रिलेटेड आपके पेपर्स में आते रहे हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। इनको बार बार लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करें, इनके रीजंस को जानें, लॉजिक्स को सीखें कि मॉडल आया तो है, क्यों आया है। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपको बतला दें ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 3 है क्लास 12th के लिए, प्रैक्टिस वीडियो नंबर 3, और इसके बाद हम आपसे बोलना चाहेंगे कि प्रैक्टिस वीडियो नंबर 4 में जल्द आपसे करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।